हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल सिस्टम एंड अनस्टेबल सिस्टम के बारे में। देख फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि स्टेबल सिस्टम क्या होता है, तो स्टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारा आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आता है। जो भी हम इनपुट देते हैं और फिर हमको जो आउटपुट मिलता है वो एक्यूरेट आता है, जो हम चाहते हैं हमको वही आउटपुट मिलता है। और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है हम इनपुट तो देते हैं लेकिन हमको वो आउटपुट नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, तो ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम होता है। यानी कि इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती, लेकिन स्टेबल सिस्टम की एक्यूरेसी बिल्कुल फिट होती है, जो भी हम चाहते हैं वही वो प्रोवाइड करता है हमको आउटपुट। लेकिन अनस्टेबल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वो हमको एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत कमी दे देता है, वो बिल्कुल फिट एक्यूरेसी नहीं दे पाता और ये सिस्टम हमारा फिर यूज़लेस हो जाता है। ठीक है, हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं स्टेबल सिस्टम को, तो क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम है, और अनस्टेबल सिस्टम यूज़लेस हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से हमको आउटपुट ही प्रोवाइड नहीं कर पाता। और वो आउटपुट प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो अच्छे से एक्यूरेसी नहीं दे पाता, इस वजह से वो हमें अच्छा आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो अब मैं आपको बताऊँगा स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेबल सिस्टम्स क्या होता है। हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, हमारा ये सिस्टम है और हमने इस पर इनपुट दिया बाउंडेड इनपुट, और हमको ये क्या मिला यहाँ पे, बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी या बाउंडेड सिग्नल भी बोल सकते हैं हम इसको। मैंने इसके बारे में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, बाउंडेड इनपुट को हम बाउंडेड सिग्नल भी बोल सकते हैं, और बाउंडेड आउटपुट को भी हम बाउंडेड सिग्नल ही बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बाउंडेड इनपुट मतलब हमने यहाँ पे कोई सिग्नल दिया, ठीक है, बाउंडेड इनपुट का मतलब होता है उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है। कोई भी सिग्नल है हमारा, उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बाउंडेड इनपुट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी जो वैल्यू है सिग्नल जो है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट होती है, हम उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हम जब सिस्टम को बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड सिग्नल देंगे तो हमको आउटपुट भी ऐसे ही मिलेगा, बाउंडेड इन सिग्नल या बाउंडेड आउटपुट भी हम उसको बोल सकते हैं, हमको ऐसे ही मिलेगा। जैसा हम सिग्नल देंगे ऐसे ही हमको ये आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब हम देखते हैं अनस्टेबल सिस्टम के बारे में। यह हमारा अनस्टेबल सिस्टम, यह हमारा कोई एक सिस्टम है, हमने यहाँ पे इनपुट दिया बाउंडेड लेकिन हमको आउटपुट मिलेगा अनबाउंडेड। यानी कि हमने कोई भी सिग्नल दिया, बाउंडेड सिग्नल दिया और हमको बाउंडेड आउटपुट नहीं मिला। हमको आउटपुट कैसा मिला, अनबाउंडेड आउटपुट मिला। यानी कि बाउंडेड इनपुट मतलब जैसा कि हमारी कोई भी सिग्नल है और हम उस को मेज़र कर सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, हमने ऐसा सिस्टम दिया लेकिन हमको आउटपुट ऐसा मिला हम जिसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते या मेज़र नहीं कर सकते, जिसकी जिसका आउटपुट इनफाइनाइट है, हमें ऐसा आउटपुट मिला, तो ये हमारा सिस्टम यूज़लेस हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको स्टेबल और अनस्टेबल ये इनपुट बाउंडेड और आउटपुट बाउंडेड के आधार पर बताया, या बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड आउटपुट के आधार पर बताया। और हमारा जो स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम जो होता है वो ये भी होता है, पोल्स और जीरो के आधार पर भी होता है, जो मैं अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।